माता पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं है। यदि वे संतान के भविष्य का निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि निर्णय सही हो, कि कहीं उस निर्णय से संतान का भविष्य ना बिगड़े। शनि की साढ़े साती हमें ये भी सिखाती है। अब देखता हूं कि कैसे तुम्हारी दृष्टि इस शुभ कार्य को रोकती है। इसने कहा मुझे यमी के विवाह से आपत्ति है सूर्यदेव। महादेव ने मुझे ये दृष्टि न्याय करने के लिए दी, अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए नहीं। और मेरा विश्वास है कि मेरी दृष्टि इससे अधिक शुभ कार्य भी करेगी। मैं केवल इतना चाहता था कि ये विवाह यमी की स्वीकृति से हो, और क्योंकि यमी अपनी स्वीकृति दे चुकी है और आपकी भी यही इच्छा है, तो यही होना चाहिए। मैं सज्ज हूं, आप बस मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी बहन के विवाह में मुझे करना क्या है। जो तुम सोच रहे हो वो शंका उचित है मित्र। अवश्य इस शनि के मन में कुछ है, परंतु क्या कोई नहीं जानता। तुम बस सावधान रहना। चिंता ना करे सूर्यदेव, कर्म फलदाता होने से पहले मैं यमी का भाई जानता हूं मेरा कर्तव्य क्या है। और उसे कैसे निभाना है। यह क्या हो रहा है? शनि सूर्य का अहंकार तोड़ने के पश्चात उसे फिर से उठने का अवसर क्यों दे रहा है? अहंकार की लौ दीपक की भांति होती है ब्रह्मदेव, अंत से पूर्व एक बार और उठती है। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु, मुझमें आप जितने धैर्य कहां, कृपा करके बताइए ना कि क्या करने जा रहे हैं कर्म फलदाता। वही जो उनका कर्तव्य है, वही जिसे लेकर संसार के मन में प्रश्न है, और वही जिसका उत्तर देकर वो अशुभ को सीख और शुभ को पुरस्कार देने वाले हैं। घोषणा करता हूं कि उचित आयु के ग्रहण करने पर तुम्हारा विवाह चंद्रदेव से होगा। मैं सज्ज हूं, आप बस मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी बहन के विवाह में मुझे करना क्या है। यमी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही और तुम यहां हो। आपने पुष्प कुचल डाला माता। पुष्प के भाग्य में यही है यमी, या तो देवों के सर चढ़ता है या किसी के चरणों तले कुचला जाता है। सब कुछ उसके हाथों में होता है
जो पुष्प को तोड़ता है। तो फिर उन हाथों का क्या माता, उस पुष्प को उगाते हैं, सींचते हैं। अति उत्तम, वागदान क्या तय हुआ? मेरी यमी तो बड़ों जैसी बातें करने लगी। चल, अब शीघ्रता से मेरे कक्ष में आओ। मैंने तुम्हारे लिए अत्यंत सुंदर आभूषण मंगवाए हैं, वागदान में उन्हें पहनना होगा। माता, क्या आपको भी लगता है कि ये विवाह मेरे लिए उचित है? कहा ना यमी, पुष्प का भाग्य वो हाथ निश्चित करते हैं जिनके उपवन में वो खिलता है। विश्वास रखो, तुम्हारे पिता ने कोई अनुचित निर्णय नहीं लिया है। और अब ये उदासी छोड़ो, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। क्या सोच रही हो यमी? मन में कोई शंका है? मैं अब भी हस्तक्षेप कर सकता हूं। यदि तुम्हारे मन में इस संबंध को लेकर कोई प्रश्न हो तो। शंका तो है शनि, एक और प्रत्याशी जिन पर विश्वास है कि वो मेरा अहित नहीं कर सकते। और दूसरी ओर मेरा भाई, जिसकी दृष्टि के विषय मेरा अनुभव है कि वो हानिकारक नहीं हो सकती। तुम वो कह रहे हो यानी जो तुम्हें दिख रहा है, परंतु मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुम्हें अनुभव हो रहा है। अपनी अंतरात्मा का स्वर सुनो यमी, तो वो क्या कहता है? और यदि तुमने अपनी अंतरात्मा का स्वर सुन लिया तो उत्तर मुझे नहीं तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है शनि? अंतरात्मा कहती है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है यमी। जैसे कि आप जानते हैं देवगुरु, मैं चंद्रदेव के साथ यमी का वागदान करना निश्चित कर चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि सूर्य और चंद्र का यह पारिवारिक मिलन इतिहास बनकर रहे। और इस ऐतिहासिक क्षण के ना केवल आप साक्षी बने, अभितु देवगुरु होने के नाते वागदान की यह विधि आप ही संपन्न करवाएं।
मैं चाहता हूं, मुझे खेद है सूर्य देव, कि मैं ये विधि संपन्न नहीं कर पाऊंगा। जो आपने कहा फिर से दोहराएंगे उसे? मैंने कहा कि मैं ये वागदान नहीं कर पाऊंगा। आप जानते हैं ना आप किससे बात कर रहे हैं देवगुरु? मुझे भली भांति ज्ञात है सूर्य देव, मैं इस वागदान, इस संबंध के लिए ना कह रहा हूं। मेरा आपको परामर्श है कि आप यमी का विवाह चंद्र से ना होने दें। और आपके इस निर्णय का कारण? इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता सूर्यदेव, क्योंकि इसका कारण जानने के पश्चात आप भी स्वयं को धिक्कारेंगे कि मैंने आपको क्यों बताया। हाँ हो या ना हो, सबके पीछे एक कारण होता है और मैं वो कारण जानना चाहता हूं देवगुरु। मैं वो कारण जानना चाहता हूं। मैं वो कारण जानना चाहता हूं। कारण मैं बताता हूं सूर्यदेव। देवगुरु सदा आपका साथ नहीं इंद्रदेव का साथ देते आए, वो सदा से आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं सूर्यदेव। और यदि ऐसा नहीं है तो देवगुरु आप स्वयं क्यों नहीं बता देते हैं सूर्यदेव को कि आपके ना बोलने का कारण क्या है? बताइए देवगुरु, बताइए ना। बताइए देवगुरु, क्या दोष है चंद्रदेव में? मैं आपसे कह चुका हूं सूर्यदेव, मुझे इस संबंध में दोष दिखाई दे रहा है। मैं आपकी इस विधि करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। समझ गया, अहंकार आ गया है आपको। आपको लगता है कि देवलोक में एक आप ही पुरोहित है। आपको लगता है कि यदि आप वागदान नहीं करवाएंगे तो सूर्य की पुत्री का संबंध होगा ही नहीं। मेरी पुत्री का वागदान नियत समय पर होगा, यही होगा, और एक प्रबुद्ध पुरोहित उसे करवाएंगे, और ये मेरा वचन है। चंद्रदेव और यमी के संबंध को अब सृष्टि की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। काकुल, प्रतिदिन मेरे मार्ग में खड़े रहते हो, आज मुझे देखकर भी दृष्टि हटा ली तुमने, अब कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है? मेरी गोल बुद्धि में भी ये बात सीधे तरीके से बैठ चुकी है कि क्या काकुल? यही कि चंद्रदेव यमी के लिए उचित वर नहीं है, और ये भी
कि यमी इस संबंध को लेकर प्रसन्न नहीं है। मैं तो एक पक्षी हूँ। जब मैं ये बात समझ सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं समझे? तुम यमी के भाई हो और कर्मफल दाता भी हो, और महादेव ने तो तुम्हें दिव्य दृष्टि भी दी है। फिर तुम कैसे इस संबंध के लिए सज्ज हो शनि? या तो कुछ ऐसा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। कर्म फलदाता हूं काकोल, लोगों को उचित कर्म के मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है। परंतु हर बात कहकर नहीं समझाई जा सकती, या कहूं केवल कहने से ही हर बात सबके समझ नहीं आती। क्यों? तुम जो कहते हो तो मुझे समझ आता है ना? ठीक है, यदि मैं कहूं कि ये पात्र बहुत गर्म और इससे तुम्हारा हाथ जल सकता है तो क्या तुम स्वीकारोगे? अच्छा, जब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे बहलाने लगे। अरे, जिस पात्र में शीतल जल भरा हो वो भला कैसे गर्म हो सकता? देखो, मैं अभी स्पर्श करके दिखाता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ काकू, इसे मत छूना। आज मैं सिद्ध करके रहूंगा कि तुम्हारा सुझाव अनुचित है। कहा था ना ये गर्म है। कांसे का ये पात जल को ठंडा रखता है, परंतु धातु होने के कारण आज को अवशोषित करके ये स्वयं गर्म हो जाता है। मैंने तुम्हें चिताया था परंतु तुमने नहीं माना। यही हर जीव की मानसिकता होती है, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। कभी उनका अहंकार तो कभी उनकी उत्सुकता उन्हें ऐसा करने पर विवश करती है, और एक बार चोट खाकर वो निष्कर्ष पाते हैं। तुमने भी निष्कर्ष पाया है काकुल। अब आज के पश्चात इस पात्र के समीप आने से पूर्व सावधान रहोगे। मैं समझ गया हूँ मित्र। जीव अपने अनुभव से ही सीखता है काकुल। अब समय आ गया है कि सूर्य देव भी अपने अनुभव से सीख ले। कहाँ जा रहे हो मित्र? बहन का वागदान है काकुल, और किसी एक व्यक्ति से भेंट करने जाना है जो इस वागदान से प्रसन्न नहीं। तुम साथ चलना चाहोगे? हाँ शनि, आओ। हाँ हो या ना हो, सबके पीछे एक कारण होता है, और मैं वो कारण जानना चाहता हूं। देवगुरु, क्या दोष है चंद्रदेव में? देवगुरु, इस गंभीर सोच में है आप देवगुरु? मैं समझ नहीं पा रहा हूं शनि, कि तुम पूछना क्या चाहते हो? मैं आपसे पूछने नहीं आया, मैं आपको बताने आया कि यदि मन पर भार हो तो आत्मा शांत नहीं रहते। मैं अशांत नहीं हूं शनि, और ना ही मेरे मन पे कोई भार है। तो फिर आपने यमी के वागदान की रीति पूर्ण करना स्वीकार क्यों नहीं किया?
मैं वो क्योंकि मैं तुमसे सहमत था पुत्र। मुझे भी आभास हुआ कि चंद्रदेव यमी से विवाह के योग्य वर नहीं है। तो फिर तब आपने विरोध क्यों नहीं किया जब मैंने इस संबंध का विरोध किया था? मैंने चंद्रदेव में ऐसा कुछ देखा जो अनुचित था, परंतु आप चंद्रदेव के विषय में ऐसा क्या जानते हैं जो अनुचित है?